अब तो फैसला कर लिया है, इस गांव से अपनी दुल्हनिया को लेके ही जाऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जावे। आए दिन अखबारों में देखती हूँ औरतों पर होते हुए अत्याचारों, मुझे तो अपना बच्चा जन्ने में भी डर लगता है कि मेरा बच्चा समाज की कुरूतियों का शिकार ना हो जाए। अंबिका, पता नहीं इसका क्या होगा। तू जानती है कैसे? ये हमारी अंबिका का पति था। अब अगर मैं अंबिका को इसके साथ भेजने में कामयाब हो गई ना, तो राघव को मुझे अपनी मुट्ठी में करने में देर नहीं लगेगी। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। तेरे बापू होते तो मुझे संभाल लेते। मारे से बहुत बड़ी गलती होगी। थैंक यू। मारे से गलती हो गई। मैं तो बात नहीं पाई अपने खाना खाया उसने। मैं समझाने गई थी उन्हें बाहर, पर उन्होंने अंदर आने से मना कर दिया। मैं तो चिंता ना कर, मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी अपनी औलाद हमारे को इतने बड़े धर्म संकट में डाल देगी। किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं, कुछ समझ नहीं आता। कल तक जो बेटा अपने बाप का हर हुक्म मानता था, अपने पिता की आज्ञा को अपना धर्म मानता था, बिना बाप की इजाजत के इसके पेट में एक निवाला भी नहीं उतरता था, हारे को भगवान मानने वाला हमारा बेटा हमारे से ऐसे मुंह मोड़ के जा रहा है। ये सब बातें करके पिताजी आपने मन ने शर्मिंदा कर दिया। मन लागे कितना बुरा बेटा हूं मैं। पर पिताजी आज आपसे मारा भी एक सवाल है, और उम्मीद करूं हूं कि आप सच्चे दिल से और पूरे मन से मारी बात का जवाब देंगे। कितना सब करने के बाद आपने मन्ने के दिया। अब आज जब मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं, तो आप हमारे सामने 100 सवाल लेके खड़े हो जाते हैं। दूध पीता बच्चा ना हूं पिताजी, सही गलत अच्छे बुरे की पहचान है मन ने। हाँ, ये बात अलग है कि आपके लाडले बेटे राघव से हमारे विचार ना मिलते, लेकिन क्या इसमें कसूर मारा है? नहीं पिताजी, कसूर है आपका, जो आपने उसको शहर भेज के मारे विचारों के खिलाफ खड़ा कर दिया। बेटा वीरेंद्र, हरे को मारे दिल की बात कहूं। लोग कहते हैं ना कि माँ बाप प्यार करने में अपने बच्चों में भेद नहीं करते,
सबको एक सा प्यार करते हैं। झूठ है, बकवास, मैं इस बात को नहीं मानता। आज कहता हूं राघव से ज्यादा मैं थारे को प्यार करता हूं। तुम्हारी जान है, तुम्हारी इज्जत है, हमारे खानदान की शान है। इस परिवार को तू ही आगे लेके जाएगा बेटा, तुम्हारी सब इच्छा पूरी होगी बेटा। तुम्हारे से थारा ये वादा है, थारे को जो चाहिए मैं थारे को दूंगा, मेरा विश्वास कर बेटा। पिताजी तबीयत खराब ना करो आप अपनी, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। वैसे भी आपके ऊपर आंसू अच्छे ना लगे हैं। मारा शाना बेटा, जा बेटा सो जा। अंबिका, वो शांति आंटी जी की बेटी, आप जानते हैं उसे? ये गांव इतना बड़ा भी नहीं है कि यहाँ कोई एक दूसरे को जानता ना हो। वैसे क्या हुआ था आप दोनों के बीच? बजरंग बली, कौन सा जन्म का बदला ले रहा है तुम्हारे से? जितनी परीक्षा लेनी ना एक बार ले ले, मैंने सता मत ऐसे। ठीक है, मैंने तेरी जिद देख ली, जिद है ना तेरी, तो मेरी भी जिद सुन ले। मैं इस गांव से अंबिका को लिए बगैर नहीं जाने वाला, ये मैंने तय कर लिया है। अरे लेकिन जाऊं कहां, इस आधी रात को कहां जाऊं मैं अपना ठिकाना ढूंढने के लिए? बेनी राम, बेनी राम के घर। तूने मेरी शादी नहीं सौदा कराया है। हे, ससुराल आके भी तने गुर्राना नहीं छोड़ा? जब तक तेरे जैसे इंसान को सजा नहीं दिलवा देती ना, तब तक गुर्राना छोड़ूंगी भी नहीं। क्या जरूरत थी बेनी राम से मुंह लगने की? उस दलाल की तो मैं जान ले लूं, आज उसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। मैं सपनों को तोड़ने वाले उस इंसान को, उस इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी। ना 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 ना, बेनी राम ना, बेनी राम के घर ना जा सकूं मैं। वैसे इतना बड़ा फसाद खड़ा हो गया, ये फसाद तो और बढ़ जाएगा। अंबिका को मालूम चल गया ना कि मैं उस सौदा के घर घर रुका हूं, उस बेनी राम के घर रुका हूं मैं, फिर तो मेरा जीना आराम कर देगी। तो इस खुले आसमान के नीचे सोने के अलावा तेरे पास और कोई चारा ना है विराट? यहीं पे लगा ले अपना तकता और खोल ले अपने पराठे। भी तो बहुत लगी हुई है, पराठों की तो खुशबू चली गई है पर अचार की अभी भी। यही रोक देता हूँ उसको।
जी सुनिए, क्या हो गया? जी वो, अरे क्या हो गया, क्या कहना चाहती हो आप? अरे हमारे से कोई गलती हो गई तो मैंने माफ कर दो फिर से, और के बात दरअसल ये है कि के बात है जी वो नहीं, आप घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी देर लगेगी, मैं ऐसे खाना खा के निकल लूंगा, आप लोग आराम से रहो, मेरे को तो बस रात गुजारनी है, गुजार लूंगा। बात ये नहीं थी, बात तो फिर क्या बात है जी? वो बात दरअसल ये है कि हम दोनों ने भी खाना नहीं खाया, तो अगर आप हम दोनों से भी पूछ लेते तो। अजी इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आइए ना बैठिए यहाँ पे मेरे साथ, इधर बैठ जाइए इधर। हाँ लेकिन आपके लिए कम पड़ गया तो? देखिए जी खाना जो है ना बांटने से कम नहीं पड़ता, उल्टा बांटने से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे बैठ जाओ आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आओ घर के देसी पराठे खाओ और ये देसी अचार भी, आओ बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो शर्माओ ना, बैठो ना। आइए 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 आइए, आप शर्माइए नहीं, आ जाइए, पराठे खाइए आप, लीजिए। थैंक यू। ये आपने ना थंकू कह के ना खाने का स्वाद खराब कर दिया। अरे खाना खाओ ना, देसी पराठे हैं, ऐसे पराठे आपको नहीं मिलेंगे हर जगह, खाइए खाइए। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो आपसे बात पूछूं? देखिए जी बुरा तो मरने लगने वाला नहीं है, वैसे एक दो दिन पहले इतना बुरा लग चुका है कि अब बुरा इससे फर्क नहीं पड़ता, पूछनी जो पूछना आपको पूछिए। आप इस गांव में क्या करने आए? यो क्या है कि मारी ना लुगाई मारे से बहुत नाराज हो गई है, तो उसको मनाने के लिए आया था। लुगाई? किसकी बात कर रहे हैं आप? जी मैं अंबिका के बारे में बात कर रहा हूँ। अंबिका? वो शांति आंटी जी की बेटी? आप जानते हैं उसे? ये गांव इतना बड़ा भी नहीं है कि यहाँ कोई एक दूसरे को जानता ना हो। वैसे क्या हुआ था आप दोनों के बीच? आप तो अंबिका को जानती है ना, मेरे को तो नहीं जानती, फिर आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? लेकिन आप चिंता मत करो, इतना एक ना एक दिन अंबिका की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और अगर मौका मिला तो आपकी मदद भी करूंगी। क्या आप हमें जानते हैं? जी आपसे तो पहली बार ही मिल रहा हूं मैं। तो फिर आप हमको खाना क्यों खिला रहे हैं? वो तो जी वो, जब आप हमसे अपना खाना बांट सकते हैं तो क्या हम उसी नाते आपसे आपका दुख नहीं बांट सकते? वाह भाई वाह, क्या बात कही है तुमने, बहुत दिमाग है, मारा दिल जीत लिया आपने बात कह के। अब जब आपने बात कह दी तो मैं आपको पूरी कहानी सुना देता हूं। वो क्या है कि जैसा तो आप जानते हो जी, एक मियां बीवी में लड़ाई तो होती है ना हर जगह, वैसी मारे भी हो गई थी, वो छोटे सी बात में नाराज हो गए यहां पे, अपनी मां के घर आ गई। क्या आपने मेरा सौदा किया? क्या आपने मेरे पिता को पैसे देकर मुझसे शादी की है? हाँ, 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 हाँ। सौदा किया तेरा।
आप मेरे लिए एक सौदागर जो मेरा सौदा करके लाए। अंबिका कैसी बातें कर रही? मेरी आत्मा आपको कभी पति स्वीकार नहीं करेगी। शादी करने के बाद दूल्हा दुल्हन मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने जाते हैं। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे साथ। आपको मेरे सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। खरीदी हुई गुलाम हूँ ना आपकी। हुकुम करो। गुलाम हूँ मैं आप लोगों की। शादी के नाम पर सौदा किया है आपने मेरा। गुलाम और बहू में के फर्क हुए हैं? अब मैं तुझे बताती हूँ। लो जी, यो तो पकड़ो बयाला। और आज से लुगाई होगी भारी। एक काम करते हैं, अंबिका को उसके मायके भेज देते हैं, बाकी दाना नाम को हम अकेले में आराम से समझा देंगे। सुधारने अंबिका के पास। वहां जाने का मतलब है मौत। दो दो दुश्मन है वहां तेरे। वो एक को दानाराम और दूसरा ठाकुर। मत जा बेटा तू, मत जा कहीं। अंबिका भाभी को लेने जा रहे हो? हाँ छोटे, जा तो वहीं रहा हूँ। लड़का और लड़की क्या फर्क पड़ता है? इस घर में लड़की नहीं आवेगी। जब भी तैयार हो के अंबिका को लेने के लिए जाता हूँ, कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा हो जाता है। तो जी ये थी मेरी छोटी सी कहानी। आपकी जिंदगी में तो हर छोटी से छोटी बात बहुत बड़ा तूफान बनकर सामने आई है, लेकिन आप चिंता मत करो, एक ना एक दिन अंबिका की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और अगर मौका मिला तो आपकी मदद भी करूंगी। अजी, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो? थैंकू जी, थैंकू वेरी मच। वो क्या है ना कि पराया गांव में कोई अपना मिलके अपनी बातें करे ना तो बहुत अच्छा लगता है। और आपने तो इतनी देर बात कर ली हमारे से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर आप पुराना माना तो आप अपने बारे में भी कुछ बता सकते हो मन्ने? हमारी कहानी आपकी कहानी से शायद थोड़ी लंबी है। कभी वक्त मिलने पर इत्मीनान से बताऊंगी, लेकिन हाँ इन पराठों की खातिर आपसे वादा करती हूँ कि आपको आपकी अंबिका से मिलाने में पूरी मदद करूंगी। जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस गांव में कुछ साथ देने वाला मिल जाए ना तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। अगर आपको अजीब ना लगे तो आप हमारे साथ अंदर आ सकते हैं। बाहर रहेंगे तो तबीयत खराब होने का डर है। वैसे भी मौसम बाहर सोने का नहीं है। मैंने माफ कर दिया, आपने गलत नहीं बोला, आपने तो सच बोला ना। पर सच बोलने के लिए कोई माफी नहीं मांगता। मैं तो पराई हूँ और पराए लोग दूसरों के घरों में नहीं बोलते। सुनिए, मैं ना एक जाट आदमी हूँ, वरना इस मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए आप चिंता ना करो, आप आराम से जाके निकल सो। मैं तो बस रोटी खाऊंगा और यहीं की सोने का गुजारा कर लूंगा। आप चिंता ना करो जी। जी सुनिए, वो आपने मुझसे अंदर आने के लिए पूछा ना इस पर आई जगह में, उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया जी।
बजरंगबली। अब कुछ आसार दिख रहे मन्ने। जल्दी से खाना खा ले। मैं तेरे लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाई, तेरी मनपसंद सब्जी करेले की। तो कहती है ना, करेला खाने से दिल शहद जैसा मीठा हो जाता है। जल्दी से खा ले और अपनी सारी मिठास मुझ में बांट दे। भूख नहीं है। पता है मैं बहुत बुरी हूँ। पता नहीं मैंने तुझे क्या क्या कह दिया। तुम्हारे से गलती हो गई, मैंने माफ करते। नहीं माँ जी, आपने गलत नहीं बोला, आपने तो सच बोला ना। और सच बोलने के लिए कोई माफी नहीं मांगता। मैं तो पराई हूँ और पराए लोग दूसरों के घरों में नहीं बोलते। अंबिका ने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। आपने अपनी गंदी हरकतों की वजह से उसे मजबूर किया कि वो अपना नाम वापस ले। अरे औरतों के लिए इज्जत नाम की चीज नहीं आपके दिल में, ऐसी गिरी हुई हरकतें करते हैं आप। अरे शर्म आती है मुझे आपको अपना भाई सा कहते हुए। गिरी हुई हरकत मैंने, तूने किया।